हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा एज पेरेंट, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और शुक्र है कि हम शर्म नहीं करते इस चीज़ में भाई, कि हमने ये गलती की यहाँ की। अब प्रेगनेंसी में जो थी गड़बड़े हमने की वो की, लेकिन जब बच्चे हो गए, जब हाथ में आ गए, फिर क्या गड़बड़े हुई? क्या तुम स्लाइड लगाओगी? अच्छा स्लाइड लग, ओके। अब एक्साइटमेंट में पहली दफ़ा माँ बन रहे हैं, समझ नहीं आता। हमारी अम्माओं को भी समझ नहीं आता कितने कितने सूट केसेस भर के दे दें बच्चे के। सो पहली जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको तोहफे ही इतने मिल जाते हैं दोस्तों से, अम्मा अब्बा से, सास ससुराल से, इधर से उधर से, तो इतनी कोई जमा हो जाती है चीज़ें। और उसके बाद समझ आता है ये भी था मेरे पास, बच्चा तो बड़ा हो गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया। तो वो भी एक बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। तो जरा उस चीज़ फिर हम उस पर दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो चलो कपड़े काम आ जाए, तो बहुत खतरनाक है बट ये नॉर्मली होता है ना, हैंड मी डाउन्स बहुत। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अपने सिबलिंग्स के या कजन्स के आप हैंड मी डाउन्स पहने और उस पर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो बताओ भाई, चलो गलती कहाँ से शुरू करें, तुमसे शुरू भाई। मैं तो अब मेरी फैमिली चूंकि बाहर इंग्लैंड में रहती है तो मैं अपनी प्रेगनेंसी थ्रू आउट, डिलीवरी मेरी यहीं हुई लेकिन मैं वैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं अब चली गई इंग्लैंड। अब वहाँ से पैदा भी वहीं कर लेती, अच्छा पासपोर्ट एक और मिल जाता, अभी याद दिला दूँ तुम्हें मैं। बस पता नहीं मुझे था मैं यहीं पे करूँ। अच्छा खैर, अब मैं वहाँ चली गई। अब वहाँ पर एवरी डे मैं शॉपिंग करने निकल जाऊँ। अब वहाँ इतनी शॉपिंग की। अब जेंडर मुझे पता था, कुछ थे जो मैंने न्यूट्रल कलर्स उठा लिए, बाकी मैंने सारे बॉय वाली शॉपिंग कर ली। जब एक्चुअल बेबी जब हो गया, वो तो भाई वो तो यूं ग्रो होते हैं राइट, एवरी डे देर ग्रोइंग, वो तो सारे कपड़े ज़ाया हो गए, जूते बूटीज जो आप लेते हैं छोटी छोटी, मैंने उसका सूट लिया, अब उस गर्मी में मैं उसको कहाँ सूट पहनाऊँ वो टैग लगे हुए कपड़े वो ज़ाया हो गए। चले रोम्पर्स वगैरह तो मैंने संभाल के रख लिए, बेटी के काम आ जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल बॉय टाइप के कपड़े थे वो तो सब ज़ाया हो गए। तो पैसे का ज़िया है ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको नहीं पता होता कि आप क्यों फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, सेकंड में फिर आपको समझ आती है कि नहीं यार ये नहीं लेना ये लेना, ये नहीं लेना ये लेना। और पता नहीं क्यों जैसे भी कोई इवेंट करीब आ रहा होता है आपका दिल चाहता है आप जाके नई चीज लें, आपके पास वो पुरानी इतनी पड़ी होती है जो गिफ्ट्स हैं या आपने खुद भी शॉपिंग करके रखा होता है। लेकिन जो भी कोई ईद बकरीद दिल चाहता है कि चाहे बच्चों के लिए जाके नए खरीदे, सो मुझे ऐसा लगता है कि जमा करने के बजाय अगर देन एंड देयर वहीं पे जाके लिए जाए तो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, फैशन भी तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक निदा हमने क्योंकि प्रेगनेंसी की बात की, फर्स्ट 40 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर फर्स्ट 40 डेज की और जो पुरानी मिथ्स हैं कि बेटा सर ढक के रखो, ये पैदा होने के बाद की बात कर रही हूं, पैदा होने के बाद जो औरत के और बच्चे के फर्स्ट 40 डेज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दफा मतलब मैं हर दफा एक वो तो वो होता है ना वो जो सात मगज का वो बनाते पंजीरी वो जो जबरदस्ती माएं और सासे खिला रही होती है और आपको उस वक्त लग रहा होता है इससे कुछ नहीं होगा, एक्चुअली उससे बहुत कुछ। यस एग्जैक्टली। सो वो 40 डेज अगर आप कवर्ड रहे, आप बाहर ना निकले, इट सर्व्स यू फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स। एग्जैक्टली। तो शुरू में जैसे मेरी जब पहली प्रेगनेंसी थी तो उसके फर्स्ट 40 डेज मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं किया, तो मुझे लगा कि मुझे ठंड भी ज़्यादा लगने लग गई, मेरी इम्यूनिटी भी कम हो गई। मगर आरएस जो सेकंड बेटा था और एला पे मैंने ऐसे रिलीजियसली ये 40 डेज फॉलो किए कि तिलावत सुनी, एला को सुनाई, घर पे ढक के रही। पर दिसंबर का टाइम था तो यू नो रौनक सीज़न होता है पाकिस्तान में, बट यू मेक श्योर that you follow those 40 days क्योंकि वो myth नहीं है। और वो अब मुझे पता चलता है कि वो 40 days जो मैंने अपना ख्याल रखा वो आज मुझे काम आ रहे। Exactly. मसाज लेना, गर्म यू नो हीक से, आप बहुत सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, कहवे पीना वो उसको आपकी सिस्टम को क्लेंस करता है। Exactly. वो बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत सीरियसली लेना। यंग गर्ल्स यू नो द न्यूअर जनरेशन थिंक्स ओह दैट्स अ मिथ, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में होता था।
But actually it works. Yes, it does. It's a very important time to heal your body. Yeah. Especially first baby में जब आप कहते हैं ना नहीं नहीं ये बच्चे का हर काम हम खुद करेंगे. हाँ. मैं पूरी सेटिंग कर रही होती थी और मेरी सास पीछे से मुझे कह रही होती थी बैठ जाओ मत करो इतना मत करो क्यों नीचे झुक रही हो क्या कर रही हो ये कर रही हो और मैं उनसे कहती थी क्या हो कि आपको इट्स ओके लेकिन वही बात है कि एक्चुअली वो 40 डेज ऊपर से फिर वो रोज ना वो बना देती थी देसी मुर्गी का सालन और मैं उनसे कहती थी मैंने नहीं खाना ये मैं नहीं खाऊंगी हाँ लेकिन वो जरूरी होती है चीजें क्योंकि उसकी वो जो बकरे का एक तो बकरे का वो कहते हैं कि चोरवे वाला सालन खाना इज वेरी क्योंकि इसमें यखनी होती है बट फर्स्ट 40 डेज जितने जहाँ पे इस तरह इम्पोर्टेंट वो अम्मी के घर रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी कम्फर्ट और ये सारी अगर अम्मी के घर कम्फर्ट अगर कम्फर्ट है तो अगर कम्फर्ट अम्मी के घर नहीं है सो बेसिकली अम्मी का घर का मसला नहीं होता मसला कम्फर्ट का होता है जो आपको कहीं भी मिले किसी बड़ी बहन के घर अम्मी के घर बड़ी नंद के घर अपने घर वो कंफर्ट का कहना होता है अम्मी के घर का रिचुअल नहीं होता बिल्कुल बेसिकली सो फिर दोबारा से घूम कर नहीं आते एक्सेसरीज हाँ बेबी एक्सेसरीज में मैंने बहुत सारी गलतियां ये की थी कि जब पहला बेटा मेरा हुआ था तो मुझे गिफ्ट का आइडिया हुआ ही नहीं कि कोई गिफ्ट में कोई चीज़ भी दे सकता है मेरे जहन में था कि गिफ्ट में हर कोई पैसे ही देगा मुझे तो ये जहन में ही नहीं रहा कि गिफ्ट में कोई कोई चीज़ भी आ सकती है तो मैंने उसकी सारी शॉपिंग सब कुछ ए टू जेड सारा कुछ किया था और फिर जब गिफ्ट मिले तो सारी चीज़ें मेरी 2-3 मतलब टाइम्स होंगे मतलब फॉर एग्जांपल जो बाथ टब था वो मैंने भी ले लिया था दो और भी मुझे मिल गए थे इसी तरह इसलिए बेबी शावर में ना बहुत अच्छा है कि आप बेबी शावर में सब अपनी फ्रेंड्स को कह दो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए सेकंड में फिर हमने ये किया कि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने उनको कह दिया था कि आपने गिफ्ट्स वैसे भी देने हैं तो आप ये चीज़ें दें ये मैंने खरीदी नहीं आप मुझे ये दीजिएगा इसी तरह कपड़ों की जैसे इन्होंने बात की तो कपड़े मैंने ये गलती की थी कि मुझे आइडिया नहीं हुआ था कि उस वक्त सीज़न कैसा होगा मतलब समर होगा या विंटर होगा जब आपका बेबी इस एज का होगा तो उस वक्त कौन सा सीज़न होगा मुझे ये बात जहन में आई नहीं कि मुझे समर की क्लोथिंग लेनी है मुझे तो जो न्यू बॉर्न का अच्छा लगता था मैं ले देती थी वो बाद में पता चला कि जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त विंटर्स थी तो न्यू बॉर्न के जो समर्स के थे वो सारे इस्तेमाल ही नहीं हो सके ज़ाया हो गए सारे तो ये मेरे तो अक्ल ही तीसरे बच्चे में आई और तीसरा जब बच्चा हुआ तो उसकी जो भी मुझे गिफ्ट्स मिले या मैंने खरीदे मैंने उसके पैकेट्स बना के रख दिए 0-3 months 3-6 months 6-12 months अब वो पैकेट्स के ऊपर टेप से वो जो व्हाइट वाला टेप होता है मास्किंग टेप से मैंने हेडिंग्स डाल के रख दी और फिर मुझे अब अंदाज़ा होता जा रहा था कि अच्छा नहीं इसके बहुत हो गए इसके बहुत हो गए तो सारी अकल तीसरे बच्चे पैदा करने के बाद आती है तो ये तो बहुत ही क्योंकि आप समझदार हो जाते हैं ना जब आप यंग एज पे बच्चे पैदा करते हैं उस वक्त तो आप खुद बच्चे होते हैं आप खुद अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं फिर आप उसको क्या ग्रो करेंगे तो जो अम्मा है शादी से पहले कि अच्छा सास के साथ ऐसे रहना वैसा इतना सब कुछ समझा रही होती है वो बच्चा होने से पहले नहीं बता सकती वो कहती है हमें खुद भूला हुआ है मेरी अम्मी तो ये कहती थी मुझे खुद भूल गए अब तो इतने साल गुजर गए मुझे याद एग्जैक्टली खैर मैं तो अपनी बेटी से कहूंगी बेटा मेरे ये यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देख लेना भूल गई तो ये तुम प्रोग्राम्स रिपीट में देख ले अगर मैं भूल गई तो इसीलिए एक बच्चा लेट करना चाहिए ताकि याद रहे विजडम से भरा हुआ बच्चा भरा हुआ हो और आपको सब याद भी रहे कि जब आप नानी दादी बने तो आपको पता हो हाँ कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ सही बात है